अस्सलाम वालेकुम पीके बसेस से, मैं हूं बिलाल। इस वक्त मैं मौजूद हूं मुल्तान लारी अड्डे में, और ये जो बस आप देख रहे हैं अल मक्का प्रेसिडेंट डोगर मूवर्स की बस है, और इसका रूट है मुल्तान से कराची का। तो इसके बारे में आपको आज की इस वीडियो में इंटरव्यू देते हैं, इसका फेयर वगैरह, इसका टाइमिंग वगैरह बताते हैं। बस जैसे आप देख रहे हैं यू टाउन की नोवा बस है, ये बिल्कुल न्यू बस है, 2022 मॉडल ये बस है। और बाकी आप देख रहे हैं काफ़ी फ्रेश कंडीशन में है। अभी इसके अंदर चलते हैं, पहले इसको अंदर से देखते हैं, उसके बाद फिर जो है इसका मैं फेयर वगैरह वो सारी आपको डिटेल बताता हूँ। ये इसके कंट्रोल्स वगैरह हैं यूटोंग बस के, नोवा के, ठीक है। यहाँ पे इसके सारे कंट्रोल्स होते हैं। ये आप देख रहे हैं कि काफ़ी खूबसूरत और न्यू सारी है, फ्रेश कंडीशन में आपको बस नज़र आ रही है। सीट्स की तरफ चलें हम, तो इसमें जो सीट्स हैं वो 2x2 की रो में है। इसमें 2x2 की रो में सीट्स हैं, दो सीट्स इस साइड पे हैं, दो इस साइड्स पे हैं। जो यूटोंग की ओरिजिनल सीट्स होती हैं ना, ये वही सीट्स हैं, ठीक है। इसमें वो कोई चेंजिंग वगैरह नहीं की गई। ऊपर लगेज के लिए जगह मौजूद है, ठीक है, वहाँ पे आप अपना सामान वगैरह रख सकते हैं। ये एसी का पॉइंट है। यहाँ पे सीट नंबर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। उसके बाद हम एंड पे जाएं तो एंड पे जो है इसमें 5 सीट्स हैं, ठीक है। टोटल ये 49 सीटर बस है, ठीक है। और बाकी इसमें आप देख रहे हैं कि जैसे काफ़ी खूबसूरत बसेस आ रही हैं आजकल, जो है नोवा एक जदीद मॉडल जो है पाकिस्तान में चल रहा है। अच्छा, ये इसका एयर कंडीशन के लिए है, हवा के लिए है। यहाँ से आप जो है ना हवा भी आती है बाहर से, अगर आप लेना चाहें। उसके अलावा यहाँ ये जो है एमरजेंसी एग्ज़िट भी है, इसको आप खोल के एमरजेंसी एग्ज़िट भी ले सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे देखें तो ये एक एमरजेंसी डोर लगा हुआ है, ठीक है। इसको आप इस तरह खोल के और यहाँ से एग्ज़िट ले सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर और हैमर्स मौजूद होते हैं, ठीक है। ये भी मिरर ब्रेकर होते हैं, इनसे आप मिरर को ब्रेक कर सकते हैं। ये जहाँ पे एमरजेंसी एग्ज़िट लिखा हो, यहाँ पे आप इसको हिट करेंगे तो ये सारा जो शीशा है ये टूट जाएगा, तो फिर आप एमरजेंसी की सूरत में जो है वो बस से एग्ज़िट ले सकते हैं। अच्छा, अब इसके अलावा जो है इसकी जो सीट्स हैं उसका थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ। इस साइड का जो ये जो इसकी सीट है जी, इसको आप एडजस्ट करना चाहें तो यहाँ से इसे आप पीछे इसको रिक्लाइन कर सकते हैं, ठीक है, और इसी तरह से आप आगे कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे सीट बेल्ट मौजूद है, ठीक है, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं दौरान सफ़र, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे फ्रिज मौजूद है, ठंडे पानी वगैरह के लिए। फायर एक्सटेंशन मौजूद है, अगर आग वगैरह लग जाती है तो उसकी सूरत में। सामने एक LCD है बड़ी, और उसके अलावा यहाँ पे कैमराज लगे हुए हैं, CCTV कैमराज। एक इधर है, दो यहाँ पे हैं, एक वो वहाँ पे है। तो सारी बस को जो है वो मॉनिटर किया जाता है, ऑनलाइन होते हैं ये सारे कैमराज जो है ना। अब इसका टाइमिंग वगैरह की बात करें तो इसके जो है डेली 2 टाइम जाते हैं मुल्तान से, एक शाम को 7 बजे और दूसरा रात 10 बजे। और इसका जो किराया है कराची का, मुल्तान से कराची का, वो है 2850 रुपये। बुकिंग के लिए आप बुक करो ऐप पर विज़िट कर सकते हैं, वहाँ से आप इसकी बुकिंग करवा सकते हैं। अगर आप खुद आगे करवाना चाहें तो ये आप दिखाएं, इधर लारी अड्डा है, ये मुल्तान का लारी अड्डा है, स्टैंड नंबर 10 है इसका, वहाँ से आप आकर जो है वो अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। तो ये अल मक्का की जो है बस है यूटोंग नोवा की, मुल्तान से कराची का रूट है इसका। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।